अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ श्रेयस मंजूर और यूट्यूब कोर्स में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। तो हमने आई थिंक जो है चार चैप्टर कर लिए थे, ये चैप्टर 5 है और इसमें जो है हम एक चैनल जो है उसको बनाएंगे। पहले तो ये जो है ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी जो है पिछले जो कोर्स में सारा कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी जो है हमारे स्टूडेंट्स को इशू आता है जो बिल्कुल नए हैं, कि उनसे लोगो वगैरह जो होता है चैनल का वो बनाना नहीं आता। फिर ऐसे भी है कि अब यूट्यूब ने जो है काफ़ी चेंजेस भी कर दी हैं, तो वो सारा कुछ भी हमने अप्लाई करना है। और जैसे यूट्यूब का बैकग्राउंड अगर कवर बनाना होता है तो वो इतना फजूल टाइप का बनाते हैं कि उसका कोई हाल नहीं होता। तो उसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनके पास जो है स्किल्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं होते, वो बिल्कुल इस काम में नहीं होते हैं। तो कैसे तैसे भी जो है एक तो उनको फोटोशॉप इंस्टॉल करना अपने लैपटॉप में नहीं आता, जैसे तैसे जो है इंस्टॉल करना जानकार भी लेते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं पता होता कौन से साइज़ का हमने बनाना है कौन से साइज़ का नहीं बनाना। उसके लिए मैं जो है बार बार कहता हूँ कि यूट्यूब का जो है ना, अगर हमने बैकग्राउंड यूट्यूब बैक YouTube बैकग्राउंड आगे इसका जो है ना कवर साइज, अगर ये टाइप करें गूगल पर तो ये हमें इसका जो है ना साइज बता भी रहा है कि इसका साइज क्या है। ठीक है, ये हमारे सामने इसका साइज आ रहा है, ये जो है ना इसका बैकग्राउंड साइज है, तो इस साइज का जो है ना हम फोटोशॉप के ऊपर बना सकते हैं। तो बस ये है कि हर चीज़ आपके पास जो है ना गूगल पर अवेलेबल होती है, लेकिन आप सर्च नहीं करते, इशू जस्ट इतना है। इसी तरह से जैसे यूट्यूब लोगो साइज, तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये देखें एक एक चीज़ जो है आपको मिल जाती है यहाँ पर। खैर YouTube लोगो साइज नहीं लिखना था, YouTube चैनल लोगो साइज 800 बाई 800 ही है। अच्छा थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ कि हम जो है एक प्रोफेशनल टाइप का जो है वो कवर बनाएंगे, और वो कवर भी ऐसे होगा कि हम उसके लिए फोटोशॉप को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आपको एक वेबसाइट बता दूंगा जहाँ से जो है नॉर्मली मैं खुद भी बनाता हूँ, ज़्यादा जो है आपको फोटोशॉप वगैरह को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बड़े ही जो है प्रोफेशनल टाइप के जो हैं वो बन जाते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि youtube.com/shweymanzoor, तो इसका जो है चैनल का बैकग्राउंड कवर है ये भी मैंने वहीं से बनाया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, तो बहुत ही सिंपल होता है, आप 2 मिनट्स में एक प्रोफेशनल टाइप का जो है कवर बना सकते हो। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपके चैनल के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि जो अगर अगला यूज़र आता है तो वो उसको ये ना लगे कि इस चैनल को कोई छोटा सा बच्चा रन कर रहा है, क्या चवलियाँ मारी हुई हैं। तो वो एक प्रोफेशनल टाइप की एक अच्छी चीज़ होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा जाता है। आपके चैनल से पता चलना चाहिए, आप किसी को दिखाने लायक हो कि भाई मैंने एक चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर आते हैं, और आपने क्या करना है कि अगर आपने पहले का ही एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो अपने एक पीसी के ऊपर लैपटॉप के ऊपर, तो आप दूसरा एडसेंस अकाउंट ना बनाएं यूट्यूब के लिए, वो फिर से आपको प्रॉब्लम्स जो हैं बनने आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसी को जो है दोबारा जो है उसके साथ अटैच कर सकते हो अपने चैनल के साथ। अब मैं एक फ्रेश टाइप से काम कर रहा हूँ, लाइक के मैंने एक जीमेल अकाउंट बनाया है, और जीमेल अकाउंट में बनाकर जो है अब उससे क्या करने लगा हूँ, उससे एक चैनल बनाने लगा हूँ और उससे जो है एडसेंस भी जो है एक साइन अप करने लगा हूँ। ठीक है, उसके लिए जो है सबसे पहले मैं अपना जीमेल अकाउंट साइन अप करूँगा, और साइन अप करने के बाद जो है सिंपल मैं जस्ट उसको जो है अभी लॉग इन करता हूँ। अच्छा जी, तो जहाँ पर मैंने सिंपल एक जो है ना वो जीमेल बनाई है और ये मेरे पास आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं एक पीसी के ऊपर ज़्यादा जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो जो मैं अपना चैनल वगैरह होता है वो दूसरे जो है ना लैपटॉप वगैरह के ऊपर यूज़ करता हूँ, इसके ऊपर फ़िलहाल कोई काम नहीं करता। तो ये एक जीमेल हमारे पास फ्रेश वाली आ गई है, अब इसके ऊपर हम क्या करने लगे हैं,
सबसे पहले तो है मैं इसके ओल्ड वर्जन को कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। आई प्रेफर नॉट टू आंसर समिट। अच्छा जी, ये जो है यूट्यूब का पहले वाला वर्जन जो है हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यूट्यूब की जो है हम सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर जो है हम एक चैनल जो है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, चैनल जो है ना किसी भी नेम से हम रख लेते हैं, जिसके ऊपर जो है ना नॉलेज के रिलेटेड कोई भी जो है ना वीडियो हम अपलोड कर सकें। मैं इसका नेम जो है ना दी नॉलेज के नाम से रख देता हूँ। चैनल को क्रिएट कर देते हैं। चैनल बनाने के बाद हमारे पास जो है चैनल हमारा बन गया है और चैनल बन गया है। यहाँ पर हम इसका जो है ना सारा कुछ ऐड वगैरह करना किस तरह से करना वो सारा आपको पहले से ही पता है कि चैनल का लोगो कैसे बनाना है। चैनल का जो है ना वो बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है वो सारी आपको पिछले कोर्स में मिल गई हैं तो आप वो कर सकते हो। अब मैं शुरू से जो है ए टू जेड तो आपको करवाने से रहा वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं जो है हमने जो कवर बनाने हैं उसके लिए ये एक लिंक है। इस लिंक को जो है ध्यान से देख लें। इस लिंक को आपने सेम ऐसे ही अपने ब्राउज़र के अंदर जो है टाइप करना है mycrazycolor.com/ जो है यूज़र्स देन स्लैश यूज़र आगे अंडर रूट रजिस्टर। ये लिंक आप टाइप करेंगे तो जो है ना आपके पास लॉगिन वाला जो है वो पेज आ जाएगा। इस तरह से लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। ये टाइप करेंगे तो ये सारा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करें, ईमेल आईडी दें, इनको फर्स्ट नेम यूज़र नेम दें, सबमिट कर दें। देन जो है उसी डिटेल से जो है mycrazycolor.com जस्ट आपने ओपन करना तो इस टाइप का आ जाएगा और इसको जो है सिंपल लॉगिन कर दें। यहाँ पर जो है आप कवर वगैरह जो है बना सकोगे। अदरवाइज़ ये लिंक जो है ना आप खुद टाइप नहीं करेंगे तो आपको कहीं से नहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पर जो है आप प्रोफेशनल टाइप के जो है वो कवर्स वगैरह जो है वो बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये स्क्रिप्ट्स होती हैं ये पेड वाली होती हैं लेकिन आपको इसी लिंक पर जाकर आप जो है ना फ्री में साइन अप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है आप टी शर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हो, वेब बैनर्स भी बना सकते हो और काफ़ी कुछ दिया हुआ है। मैं सोशल मीडिया पर आता हूँ। सोशल मीडिया के अंदर ये सारा कुछ आता है। फेसबुक का आप बैकग्राउंड बना सकते हो, ट्विटर, गूगल प्लस। मैं जी यूट्यूब का मैंने बनाना है तो मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूट्यूब का जो है हम यहाँ पर अपना कवर जो है वो बना सकते हैं। हमें ये कवर जो है बने बनाए ही मिल जाएंगे। हमने सिंपल जस्ट जो है उसको एडिट करना होता है और हमने कुछ भी नहीं उसके अंदर करना होता। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये जो है हमने यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो क्लिक की है तो हमारे पास यहाँ पर उसका साइज़ आ रहा है 2560 मल्टीप्लाई बाय जो है ना 1440। तो ये साइज़ जो होता है ना इसके कवर का साइज़ होता है। अब ये वाला सिलेक्ट हो जाए थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये सिलेक्ट हो जाए तो इसके बाद जो है हम इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्पलेट्स खुद से प्रोवाइड किए होते हैं। हमने सिंपल वो टेम्पलेट लगाकर जो है उसको थोड़ा सा जो है ना मतलब कि अपने उसका जो टेक्स्ट होता है उसको हटाकर अपना टेक्स्ट जो है उसको सिंपल जो है रिप्लेस करना होता है और हमारा जो है इसके अंदर कोई बड़ा काम नहीं होता। ये वाला साइज़ इसने सेलेक्ट कर दिया, ये हमारे पास जो है ना वो साइज़ आ गया है सारा। मैं क्या करता हूँ मैं अब टेम्पलेट के ऑप्शन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर माई टेम्पलेट आ रहे हैं जिनके ऊपर पहले मैंने किया है। मैं ऑल टेम्पलेट्स करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने हमें 20 टेम्पलेट्स जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं तो 20 टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर कोई पसंद कर लेता हूँ दी नॉलेज के लिए। तो दी नॉलेज के लिए थोड़ा सा और नीचे आए, 1-2 वाला भी ओपन कर लेता हूँ पेज, 2 वाले पर भी जो है इन्होंने ये वाला भी वो पहले वाला भी पड़ा हुआ है और जो मैंने पहले लगाया था ये देखें। आपको जो है बिल्कुल भी जो है वो मेहनत नहीं करने पड़ेगी। वापस मैं आता हूँ पहले वाले में। ये वाला लगा लेते हैं। ये आपको वो जो है ना फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोटोशॉप से और हज़ारों काम लिए जा सकते हैं
अगर बिल्कुल नहीं है, फोटोशॉप यूज़ करना नहीं आता, तो भाई सिंपल है कि जाओ यूट्यूब पर, जाओ फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स इन उर्दू एंड हिंदी टाइप करो, हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो ये आपको ही करना है। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि आपको फोटोशॉप की जो है ट्रेनिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट करवा दूँ। यहाँ पर जो है ना, अब सिंपल जो है ना, जैसे कि ये लिखा लिखा हुआ हमें आ गया है, अब ये वाला जो है इसको आपने एडिट करना है। मैं एडिट कैसे करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो अब ये टेक्स्ट जो है ना ये एडिट हो सकता है। मैं यहाँ पर आया, ये देखें बना बनाया हमें कवर मिल गया है, कोई हमने बड़ा काम इसके अंदर नहीं करना। यहाँ पर पीछे आया और KNOWLEDG। अच्छा जी, तो ये मैंने टाइप कर दिया दी नॉलेज। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो। अगर आपको ये भी यूज़ करना नहीं आता तो आपने मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी कि मैं आपको ये भी अब आपके हाथ पकड़ कर सिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो उसके लिए सॉरी। ऐसे है कि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, तो आप बिल्कुल भी नाकाम हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये भी तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो है ना पेस्ट कर दिया। आप जो मर्जी लिखें, जो आपका दिल करे, तो अब मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई मुझे ना वो चैनल का जो है ना कवर बना कर दो। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, मेरे जैसे बंदे के पास अपने घर वालों को देने के लिए मुश्किल से टाइम निकलता है, तो मैं इन लोगों को अगर सपोर्ट दे रहा हूँ तो आगे से इनकी फरमाइशें ही ऐसी होती हैं, फिर बंदा इनको क्या बोले। तो तभी कहता हूँ कि करना आप लोगों ने है, मैंने नहीं करना, ठीक है। और दी नॉलेज जो है इसको थोड़ा सा उठाकर ऊपर करते हैं यहाँ पर, ताकि लाइन जो है और दी जो है दी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया। अच्छा जी, ये जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो कवर होता है ना वो थ्री टाइप्स का बनता है। शायद मैंने आपको ना बताया हो तो मैं अगेन से बता देता हूँ। ये बड़ा कवर बनाने का मतलब ये होता है, आप एक चीज़ सोच रहे होंगे यार, यूट्यूब पर तो कवर हमारा इतना सा शो होता है, ये हिस्सा, ये बाकी का किधर जाता है, किस खाते जाता है। तो ये ऐसे है कि ये आपका जो है ना कवर थ्री डिवाइसेस के अंदर जो है ना वो ओपन होना होता है, ठीक है। थ्री डिवाइसेस के अंदर ओपन होना होता है, एक मोबाइल के अंदर, थ्री कर लें ज़्यादा कर लें, मोबाइल के अंदर अलग से ओपन होता है, जो है लैपटॉप के अंदर तो आप देख रहे हो जिस तरह से ओपन हो रहा है। तीसरा ये है कि ये एलईडी जो होती है ना, एलईडी जो स्मार्ट टीवी वालों की होती है, सैमसंग वालों की होती है, या अदर कर लें, ठीक है, तो उनके अंदर जो है ना और तरीके से ओपन होता है, तो वहाँ पर ये फुल वाला आ जाता है। जैसे मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ, YouTube.com/TV जो है ये व्यू वो वाला है जो कि स्मार्ट टीवी एलईडी में आता है, ठीक है। मेरे घर में जो है एलईडी इनकी, तो उसके अंदर से यूट्यूब कुछ इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर अगर आप कोई चैनल ओपन करेंगे तो वो चैनल जो है ना उसका व्यू और आएगा, मतलब कि वहाँ पर कवर जो है ना आपका फुल वाला जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर इसका चैनल देखने की पता नहीं ऑप्शन किधर है, वॉच ट्रेलर, खैर ये पीछे जो कवर आ रहा है ना ये फुल आता है वहाँ पर। तो ये ज़्यादा इजी होता है अगर आपका नेट सही ना चल रहा हो ना, मतलब कि स्लो चल रहा हो, तो आप इसके थ्रू जो है ना वो वीडियोस देख सकते हो, आपकी जो जगह है ज़्यादा लोडिंग भी नहीं होगी। अच्छा जी, तो ये कवर बनने के बाद आपने ऐसे नहीं करना कि सीधा इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कोई नहीं होगा। आपने कवर बनाया, कवर बनाने के बाद जो है इसको सबसे पहले सेव करना है। सेव के लिए आपके पास जो है कोई इसका यूज़र नेम एंटर कर दें, आपके अकाउंट के अंदर ये आ जाएगा। बाद में आप इसको एडिट भी कर सकते हो,
कुछ भी कर सकते हो, सारी ऑप्शंस जो है आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसको जो है हम सेव किया, देन जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये देखें, ये सेव टेम्पलेट्स के अंदर ये जो है ये आ चुका है और अब ये डाउनलोड हो गया है, और डाउनलोड हो करके आपके सामने है कि आपने एक प्रोफेशनल टाइप का जो है वो कवर बना लिया है। अभी हमने ये वाला भी इसका चेंज करना था, डाउनलोड नाउ के बटन पर हमने कट करना था, यहाँ पर हम अपना दी नॉलेज या कुछ भी लगा सकते थे। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, आप जो भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी सारी तफसील में जाऊँ, बाकी आप और तरह के बैनर्स बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, सब कुछ आप बना सकते हो। मेरा काम था आपको एक ये जो है ट्रिक जो है एक चीज़ जो है प्रोवाइड करना। समटाइम्स होता है कि ये साइट जो है ये चल नहीं रही होती, इसका सर्वर डाउन जा रहा होता है, घबराना नहीं है, खुद ही चल जाएगी। मुझे अगर आप इसकी जो है शिकायतें करेंगे भाई ये चल नहीं रही, तो मैं ऑपोजिट इसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंपनी मेरी थोड़ी है। खैर, अब जो है ना हम क्या करते हैं, हम जी अपने जो है ना वापस चैनल पर आते हैं, और यहाँ आकर जो है वो कवर चैनल जो है ना उसका कवर जो हमने बनाया है उसको ज़रा अपलोड करते हैं, और देखते हैं ना कि हमारी जो है वो किस तरह से शो होता है। तो ये मैंने जो है इसको अपलोडिंग पर लगा दिया है, और ये देखें ये साइज नीचे बता भी रहा है वही वाला। अब ये देखें, ये आपके सामने कभी आपने गौर किया हो तो बता रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर आपका कवर ऐसे शो होगा, ये वाला साइज टीवी के ऊपर ऐसे शो होगा, जो मैं बता रहा था एलईडी के ऊपर, जैसे मैंने YouTube.com/TV ओपन किया था, मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट कर देना आपने, और इसी तरह से कवर भी अपना ये जो है ना आपका ये वाला भी आप लगा सकते हो। मैं फिलहाल जो है कोई गूगल से उठाकर लगा देता हूँ, ताकि हम अपना काम जो है ना उसको आगे बढ़ाएं। दी नॉलेज LEDG, दी नॉलेज यूट्यूब चैनल लोगो, कुछ तो आया हमारे सामने। अच्छा जी, इमेजेस पर जाते हैं, टी लोगो, अच्छा जी ये लगा लेता हूँ मैं, दी नॉलेज ही बन रहा है, टी से दी के से नॉलेज। खैर, इसको डाउनलोड किया, इसको भी चेक करते हैं ये अभी लगा क्यों नहीं है। योर फोटोज़ ये हमने अपलोड किया, एडजस्ट को, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेविंग इसकी हो जानी चाहिए थी, खैर जब तक इसकी सेविंग होती है, बल्कि हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हम एडिट इसको करते हैं। अच्छा जी ये देखें, आपके पास ये कवर आपका आ चुका है, आप ये लाइन भी खींच कर लंबी काट सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो उसके अंदर, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है इतना। आप डेस्कटॉप पर गए और यहाँ पर जो है ये आपको ये भी मिल गया। तो मेन आपका प्रॉब्लम कवर का था, और कहाँ गया वो भी जो है हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट कोर्स में जो जो आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं, मैं उनको मद्देनज़र रख रहा हूँ, और उस हवाले से जो है वो चीज़ें करवा रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें मैंने करवानी नहीं थी, क्योंकि वो बार बार ऑफिस से जो है ना शिकायत इस चीज़ की आती है कि जी फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, तो उस वजह से मैंने बना दिया। अभी ये लगा दिया, ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। खैर, हमने ये चीज़ कर ली, अब हम जो है चैनल भी बन गया, सारा कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या करता है जी, हम इसके जो है ना क्रिएटर स्टूडियो में चले जाते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं, और हम जो है चैनल में चले जाते हैं। अब वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर ये जो है हमसे 10,000 व्यूज़ वगैरह मांगता है, सारा कुछ करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल में आने के बाद आपने सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे, और वेरीफाई के बटन पर आपने एक नंबर पर एक ही चैनल को वेरीफाई करना है, ज़्यादा पंगों में आपने जाना टैक्स में, और यहाँ पर आपने अपना नंबर जो है इनको दे दे।
सम सिक्योरिटी रीज़न की बुनियाद पर मैं अपना नंबर तो शो करवा नहीं सका। खैर अभी जो है मुझे इनका SMS आ चुका है और हम जो है कोड यहाँ पर एंटर करेंगे 521584। अब सबमिट कर दिया हमने। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा आप जो है चैनल वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पर आ भी रहा है। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो है दो चार चीज़ें हो गई हैं और अब हम क्या करते हैं, अपनी चैनल की मोनेटाइजेशन पर आ जाते हैं। जो कि हमने पिछले कोर्स में देखा कि मोनेटाइजेशन आप जो है एक तो पाकिस्तान में ऑन नहीं कर सकते थे, दूसरा ये था कि बाद में पाकिस्तान के अंदर भी मोनेटाइजेशन आ गई थी, तीसरा ये कि 10,000 व्यूज़ का प्रॉब्लम आ गया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई। तो हम जो है इसको इनेबल करते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर आप टॉप पर आएँ तो सबसे पहले ये आपको क्या बोल रहा है इसके ऊपर हम गौर करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है जी अकाउंट स्टेटस हमें बता रहा है कि मोनेटाइजेशन नॉट इनेबल्ड। पहले हो जाता था कि इनेबल हो जाती थी लास्ट कोर्स में, अब नहीं हो रही। वो कह रहे जनाब आपके 10,000 व्यूज़ जब तक टोटल चैनल पर नहीं आ जाते हम आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। और एडसेंस वगैरह का भी प्रोसेस जो है सारा वही है। अब बंदा क्या करे, अब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर एक तो मैं एडवांस में चला जाता हूँ और कंट्री यहाँ पर देखे मैंने पाकिस्तान ही की हुई है। तो अब हम जो है ना इसको स्टार्ट कर देते हैं। हम ये कहते हैं जनाब कि हमारी मोनेटाइजेशन ऑन ना करो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो है ना ये सारा प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कर दो कि हमारे 10,000 व्यूज़ जो है वो काउंट होने स्टार्ट हो जाएं। और इसके अलावा ये है कि हम एडसेंस भी साइन अप कर देते हैं कि जब हमें मतलब 10,000 व्यूज़ हो जाएंगे तो उसी एडसेंस के साथ जो है ना हमारा लिंक होगा, तो हमारा काम जो है ना उसी टाइम मतलब कि इनेबल हो जाएगा, एड्स हमारे अकाउंट के ऊपर ऑटोमेटिकली शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ये सारा प्रोसेस जो है ना मुकम्मल कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि साइन अप फॉर एडसेंस। अगर आपके पास एडसेंस पहले से मौजूद है आप वो भी लगा सकते हो, वो भी तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मोनेटाइजेशन ये थोड़ा सा पेज जो है रिलोड हुआ तो हमारे पास जो है नेक्स्ट का बटन आ गया। एडसेंस के ऊपर भी मैं ना एक तफसील के साथ वीडियो बना दूंगा जिन लोगों को एडसेंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये कोर्स जो है ना ऐसे नहीं है कि जो ऑनलाइन बैठे हैं वही देख रहे हैं, ऐसी आवाम भी जो है हमारी स्पॉन्सर के थ्रू आती है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो उन सब के लिए जो है थोड़ा सा इशू बन जाता है। तो हम जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है तफसील के साथ वीडियो मैं आगे चलकर बना दूंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है हमने पहले अच्छा ये इसका अप्लाई किया था आपका जो है जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पर आपका ये लिंक नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ना ये जीमेल जो है किसी और काम के लिए भी यूज़ की थी। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पकड़ लेता है, आपकी वेबसाइट से मुराद है आपके चैनल का लिंक पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपना लिंक दे देता हूँ इसको, मेरे चैनल का जो है ना लिंक, चैनल का लिंक चाहिए मुझे, व्यू चैनल पर जाता हूँ मैं, तो ये मेरा चैनल का लिंक है, मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, आपका ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। क्या कह रहा है जी, इंटर योर प्राइमरी वेबसाइट और URL, इफ़ यू वांट टू मोनेटाइज यूट्यूब वीडियो कंटेंट प्लीज़ अप्लाई थ्रू यूट्यूब डायरेक्टली। खैर ये जो है ना जीमेल पहले भी मतलब कि जो है ना वेबसाइट के एडसेंस के ऊपर यूज़ हो चुकी है आई थिंक, जो है इसलिए इशू ये दे रहा है, क्योंकि उधर जो है ना एक साइट के ऊपर अप्लाई किया था लेकिन उधर इन्होंने जो है ना रिजेक्ट कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद ये ईमेल जो है ना इसी काम के लिए यूज़ आ जाएगी, यूज़ में आ जाएगी, लेकिन ये जो है ना ये तो एरर शो करवा रही है। अब जो है ना हम क्या करते हैं, हमने तो अपना जो है ना सिंपल प्रोसेस मुकम्मल करना है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। मैं एक नई जीमेल जो है ना उससे करता हूँ और उससे जो है ना सिंपल हम जो है ना एडसेंस की जो है किस तरह से करेंगे मैं वहीं से जो है ना वीडियो को जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर वापस आ गया और नेक्स्ट यहाँ से मैं अगेन करता हूँ इसको और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल ये जो है मैंने बनाई है और इसको जो है ना मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें आपके पास एडसेंस आ जाता है और यहाँ से आप जो है आपकी साइट का URL ऑटोमेटिकली इसने पकड़ लिया गया। यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस, फिलहाल नो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है ना आपने अपनी कंट्री जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है।
कंट्री लाजमी तौर पर पाकिस्तान ही रखें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से पेमेंट्स आप विड्रॉ करवा सकते हो, इंडिया के हैं तो इंडिया आपने सेलेक्ट करें, नेपाल है तो नेपाल, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, हांगकांग है तो हांगकांग को जो है आप सेलेक्ट करें, जो भी आपकी कंट्री है आप यानी करेंट अकाउंट कर देना है और आपका जो है प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेंगे और देखेंगे, उसके बाद ये जो है आपको एडसेंस अकाउंट वगैरह जो है मिल जाएगा। ठीक है, एक तरह से समझ लें कि आपको एडसेंस अकाउंट मिल चुका है। अब यहाँ पर आपसे ना वो एड्रेस मांग रहा है, आपका एड्रेस क्या है? कि मेरा नेम तो यहाँ पर दी नॉलेज शो हो रहा है, तो मैं नेम अपना यहाँ पर शुएब खान ऐड कर देता हूँ। एड्रेस यहाँ पर जो है कोई भी फेक लगा देता हूँ, 567A बहरिया टाउन लाहौर, ये मेरा एड्रेस नहीं है। ये ना हो कि आप एड्रेस देकर इसी एड्रेस पर पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है सिटी लाहौर कर देता हूँ, पोस्ट कोड 54000, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, 03। मेरा ये नंबर नहीं है, फिर भी जो है ऑफिस का नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। अब मैंने इसको जो है सिंपल सबमिट कर देना, क्या तो इतना सा प्रोसेस है, इसको आपने जो है मुकम्मल करना है, और यहाँ पर आपको ये ईमेल भी आ गई है। अब जो है एडसेंस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि हमारा जब से सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि पहले जो है ना हमारे 10,000 व्यूज़ हों, इसके अलावा जो है आपका जो चैनल है उसकी मैंने सेटिंग्स आपको सारी बता दी हैं, और कि ये सेटिंग्स जो है आपने अब के टाइम में करनी है, वो पीछे वाला काम जो है वो पीछे छोड़ दें इसके ऊपर, इसलिए जो है मैंने ये तफसीलन जो है ये वीडियो बनाई है। अच्छा, इसको दोबारा इनेबल के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आ रहा है। खैर, अब हम जो है चैनल के ऊपर जो है काम करेंगे, वीडियोज़ अपलोड करेंगे, इसको 10,000 व्यूज़ पर लगा देंगे, तो ये काम जो है उसके बाद करने वाला था जो कि मैंने पहले लगा दिया। जैसे जैसे हम काम स्टार्ट करेंगे, वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे, तो यहाँ पर जो है वो व्यूज़ वाली कहानी जो है स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता रहा होगा कि आपके इतने व्यूज़ हो रहे हैं, फलां फलां हो रहा है, तो बाकी प्रोसेस जो है ना बाद में देखा जाएगा। फिलहाल 10,000 व्यूज़ की बात आती है, बाकी ये सेटिंग्स वगैरह सारा कुछ वैसे ही है जो मैंने पीछे बताया था। लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन जो है पहले पाकिस्तान के अंदर आई थिंक नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन दे दी है। हम इसको भी जो है इनेबल करके इससे भी जो है काम लेंगे। अब मैं आ जाता हूँ जनाब, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तो उसके अंदर देखते हैं कि हम किस तरह से जो है स्लाइडर्स वगैरह बना सकते हैं, वीडियोज़ आपने हमने जो है वो किस टाइप की बनानी है, किस तरह से एडिटिंग करनी है, तो कौन से सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके अंदर वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।